आज से कोई 12 साल पहले बलूचिस्तान में हर 1,00,000 बच्चों की पैदाइश पे 776 माएँ अपनी जान देती थी। तो ये सूरत हाल एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है बलूचिस्तान की माओं के लिए। IDSP की यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ने इसको उठाया और एक तहकीकाना अमल के ज़रिए मालूम किया कि हम कैसे बचा सकते हैं माओं को, और फिर फैसला किया कि हम माओं को बचाएंगे। IDSP की यूनिवर्सिटी माओं को बचाएगी। उसके तहत विदिन 12 ईयर्स इस टीम ने 400 के करीब कम्युनिटी मिडवाइफ्स को एम्पावर किया, ट्रेन किया, इस्टेब्लिश किया, प्रोफेशनली इनको स्ट्रॉन्ग बनाया और वापस उनकी कम्युनिटीज के अंदर उनको पहुंचाया। और अब तक ये मिडवाइफ्स जो हैं, इन्होंने कोई 28,000 के करीब इन्होंने सेफ डिलीवरीज कराई माँ और बच्चों की। मगर ज़रूरत जो है, हर 5 साल में कम से कम 2,000 कम्युनिटी मिडवाइफ्स को ट्रेन होना है अगर हमें बलूचिस्तान की माओं को बचाना है और बच्चों को बिन माँ का होने से बचाना है। IDSP ने प्लान किया है कि हर 5 साल में 2,000 कम्युनिटी मिडवाइफ्स ट्रेन करेगी और उनको इस्टेब्लिश करेगी बलूचिस्तान के गांव देहातों में। आइए हमें ज्वाइन करिए, हमारा साथ दीजिए, कम्युनिटी मिडवाइफ के ट्रेनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करिए ताकि हम माओं को बचा सकें, हम बलूचिस्तान के बच्चों को बिन माँ का होने से बचा सकें। याद रखिए, बिन माँ के बच्चे एक कमज़ोर कौम बनाते हैं।